अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर पहला है अलजिब्रा का। वैसे तो मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम जो है ना अलजिब्रा के करा चुका हूँ, कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो रह गई थी, मैंने सोचा बाद में बता दूंगा। आज ये जो अलजिब्रिक एक्सप्रेशन है ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये अलजिब्रा का जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसके जो है ना मैं समझता हूँ कि आ सकते हैं क्वेश्चन इसके, ये काफ़ी पेपरों में जो आते भी हैं। ये इसलिए मैंने सोचा कि यार ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पहले समझा लूँ, फिर जो है ना हम इंग्लिश को शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप एरर डिटेक्शन और प्रीपोजिशन पढ़ाओ। तो अभी अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अलजिब्रिक एक्सप्रेशन है ये कहते किसे हैं। अलजिब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना ऐसा कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का, जिसमें जो है ना डिवीजन भी आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए इसमें, डिवीजन आ जाए यानी कि स्क्वायर रूट आ जाए इसमें, और इसके अलावा जिस तरह डिवीजन हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा एडिशन हो गया, ये इस तरह के अगर साइन इस्तेमाल की जाएँ उसे हम कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में इस तरह के साइन इस्तेमाल की जाए ना उसे हम कहते हैं अलजिब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई एग्ज़ाम्पल लिख दूँ, 5x³ - x, ये भी एक तरह का अलजिब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें, क्योंकि ये चीज़ सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिकल, किसी जगह पे रेडिकल का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे भी हम कहते हैं रेडिकल का भी अगर किसी जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे भी हम अलजिब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। अलजिब्रिक एक्सप्रेशन में जो है ना ये सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल कौन सी होती हैं, ये इस तरह की सिंबल इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसे जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और इस तरह की भी जो है ना अलजिब्रिक एक्सप्रेशन में सिंबल इस्तेमाल की जाती है, इस तरह की भी की जाती हैं और इस तरह की भी की जाती हैं। यानी कि ये चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाए ना इसे हम कहते हैं जो है ना अलजिब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस जो ये वाली निशानी है इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और इसके अलावा अगर इस तरह की निशानी आ जाए उसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये बिल्कुल ही सिंपल नाम है, अगर याद कर लो तो फिर अच्छी बात है। इसको हम कहते हैं वेनक्यूलम, वेनक्यूलम। अगर इसको बार भी कहा जाता है, किसी जगह पे अगर बार लिखा हो ना परेशान नहीं होना, ये इस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो सपोज करो अगर ये जितनी भी ये निशानियां हैं ये सब की सब निशानियां अगर एक प्रॉब्लम में आ जाएं तो आप सबसे पहले किसको आप लोगों ने सॉल्व करना है ये भी बता दूं। सो अगर इस तरह की वेनक्यूलम भी आ जाए, सिंपल ब्रैकेट भी आ जाए, इसके अलावा कर्ली ब्रैकेट भी आ जाए और स्क्वायर ब्रैकेट भी आ जाए, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये सॉल्व करनी है तरतीब से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाली सॉल्व करनी है, उसके बाद ये लास्ट में जो है ना हम ये चीज़ लास्ट में सॉल्व करते हैं। सो अभी एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आप लोगों का मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, एक्स माइनस कर्ली ब्रैकेट वाई माइनस सिंपल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ जाएं आप किस तरह इसको हल कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दूँ। सो एक्स जो है वैसा का वैसा रखेंगे, इसमें दो निशानें इस्तेमाल की गई हैं, एक कर्ली ब्रैकेट दूसरा स्मॉल ब्रैकेट। सो माइनस की निशानी वही, कर्ली ब्रैकेट पहले हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। इस ये वाली ब्रैकेट के बाद हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पहले ये वाली सॉल्व करते हैं उसके बाद वो। सो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर माइनस रख देना है जैसा रखा हुआ है, उसके बाद
एक्स प्लस जेड, ये हम प्लस तो नहीं कर सकते, ऐड नहीं होंगे, सो वैसा का वैसा जिस तरह लिखा हुआ है ना वैसे आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद ये दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये अगर माइनस का इस साइड जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, सो ये प्लस का है और ये वाला माइनस का, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटू माइनस, क्या जवाब आएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। माइनस लिखने के बाद ये जेड लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा लिखेंगे, ये अभी जो है ना ये वाले दोनों कैंसिल, यानी कि ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। तो अभी आगे आप लोगों ने क्या करना है कि ये एक्स, ये जो माइनस एक्स के बाद लिखा हुआ है ना, ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। सो इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर ये वाली जो ब्रैकेट हैं ख़त्म हो जाएंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो माइनस इंटू एक्स वही लिखेंगे, फिर दोबारा से माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जेड वही लिखेंगे। अभी आगे बिल्कुल सिंपल हो गया, ब्रैकेट दोनों ख़त्म हो गए, एक्स और एक्स कितना हो गया, टू एक्स हो गया, उसके बाद जेड लिखेंगे, ये हमारा ये आंसर। तो मैं सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती कर दी है कि ये वाला जो वाई लिखा हुआ था ना ये हमने नहीं लिखा, ये इस जगह पर आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर y को प्लस कर देना है, क्योंकि ये अगर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर एक इस पे इस जगह पे दोबारा कर लेते हैं, गलती हो गई है। तो x माइनस y माइनस x माइनस z, माइनस ये प्लस का है, सो ये y क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का x हो जाएगा, ये भी प्लस का z हो जाएगा। तो आप लोग इसको, ये x और ये x कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस वाई प्लस जेड, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आया होगा, ये हमारे से हमसे गलती हो गई थी जो कि हम लोगों ने करेक्ट कर दी। तो एक और प्रॉब्लम लिख दूँ, ठीक है। अभी ये हम दूसरा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले में हमसे गलती हो गई थी, वाई को तो हमने भुला ही दिया था, वो देखा ही नहीं, वो बस ऐसे सॉल्व करते गए, तो अभी वो उसका भी करेक्ट कर दिया है। तो आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह हम इसको सॉल्व करें। इसमें भी यानी कि दो तीन ब्रैकेट इस्तेमाल की गई हैं, तो सबसे पहले हमें ये वाली ब्रैकेट हल करनी है, उसके बाद जो है ना फिर ये लास्ट में, तो माइनस टू जो लिखा हुआ है वो माइनस टू ही लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वही लिखनी है, ब्रैकेट के बाद थ्री ए, उसके बाद माइनस फोर, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट माइनस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट माइनस, ये जो है ना माइनस, ये दोनों ऐड भी नहीं हो सकते, ये नंबर ये अल्फ़ाबेट है, सो इसको माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू प्लस इंटू माइनस माइनस ए, इस तरह हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो गई गोली, ठीक है, ख़त्म हो गई। बाकी आगे दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो माइनस टू वैसा का वैसा लिखना है, थ्री ए माइनस फोर, अभी ये और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, माइनस टू बचा। सो आप लोगों ने यहाँ पर माइनस टू इस तरह लिख देना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर इस जगह पर प्लस का कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो पहले इसको दोबारा लिख दूँ उसी तरह, तो माइनस टू माइनस फोर, अभी ये प्लस और माइनस माइनस टू लिख देंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, ये दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ख़त्म, अभी ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट रहती है, तो माइनस टू इस जगह लिखेंगे, थ्री ए माइनस माइनस इंटू माइनस, यानी कि ये भी माइनस का, ये भी दोनों हो जाएंगे प्लस, तो प्लस सिक्स हो जाएगा। सो ये वाली अभी माइनस हमें जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, सबके साथ सिक्स हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा। सो उम्मीद है ये हमारा आंसर है, अगर हम इससे माइनस कामन लेना चाहें तो कामन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, तो एक और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम जो है ना अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो मैं जब तक लिख लूँ, मैंने एक और प्रॉब्लम लिख लिया है, सो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही आसान है। इसमें वेंकुलम का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, शुरू में आप लोगों ने अगर इस तरह के सारी साइन इस्तेमाल की जाए ना, आप लोगों ने सबसे पहले वेंकुलम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद सॉरी इस सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर लास्ट में सॉल्व करनी होती है। यहाँ पर जो है ना
एक एक दो तीन चार जो है ना साइनें इस्तेमाल की गई हैं सिंबल। सो आप लोगों ने सबसे पहले वेनकुलम को हटाना है, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में हमें स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस वैसी की वैसी लिख देते हैं, एक्स माइनस, ठीक है, अभी ये वैसा के वैसा लिख देंगे। आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए, जहाँ पर भी अगर वेनकुलम या जिसे बार भी कहते हैं ये इस्तेमाल की जाए, अगर कोई भी उधर प्लस में होगा तो वो माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में। अभी यहाँ पर क्या है, माइनस में है, सो यहाँ पर प्लस वन कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट जो है वैसी के वैसी लिखेंगे। ये दोबारा से उसी तरह हम लिख देंगे, ये सेम लिख देंगे। सेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर माइनस दे देनी है। यहाँ पर अगर देखो कोई भी चीज़ कट हो रही है, नहीं हो रही, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस टू वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस वन। उसके बाद ये सिंपल ब्रैकेट जो है ना गई, बाकी अभी कर्ली ब्रैकेट बची, सो इस तरह आप लोगों ने लिख देना है। तो अभी वही माइनस लिख देंगे, उसके बाद एक्स माइनस ये जो ब्रैकेट्स हैं वो लिखने के बाद, इसमें से अगर देखो कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही है, और थ्री एक्स में जो एक्स गया तो टू एक्स बचा, तो यहाँ पर टू एक्स लिखेंगे, उसके बाद टू वाई माइनस वन, इस तरह आप लोगों ने लिख देना। अभी इस ब्रैकेट को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये जो माइनस है ना, माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट हमें हल करनी है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि माइनस ये वैसी की वैसी एक्स, अभी ये देखो कोई भी चीज़ कैंसिल आपस में हो रही है, ये देखो एक्स माइनस टू एक्स, बाकी क्या बचा, माइनस का एक्स बचा, उसके बाद माइनस टू वाई वैसा का वैसा लिखेंगे और प्लस वन। अभी लास्ट में हमें ये वाली साइन हल करनी है, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस वन। सो यहाँ पर हमें जो लास्ट में आंसर मिला, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये हमारा आंसर है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। सो खुदा हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं। एक लेक्चर और हमारा बनेगा प्रीपोजिशन अलजेब्रा में, सॉरी अलजेब्रा का हमारा एक और लास्ट जो है ना लेक्चर बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्लिश को दोबारा से शुरू करेंगे, फिर लास्ट में हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, वर्ड नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। खुदा हाफिज़।